Welcome to my YouTube channel Learn English. Today we are going to see Brainstorming Part 1 of On Saying Please by Alfred George Gardiner. So I am Rijal Natwani. Welcome you to all. Jai Swaminarayan. So now we are going to see Brainstorming A1 First Question. Form groups and explain the following words with examples. जो नीचे दिए गए words है उसको आपको examples के साथ solve करना है, explain करना है. You can take help of your teacher. So the words are humility, gratitude, generosity, self-esteem, courtesy, sympathy and empathy. Now one by one we will see the meanings of each and every word and the sentence of that particular word. So first word is humility. Humility means students' modesty or politeness, namrata. And the sentence is they should accept their allotted rank with humility. Jo bhi rank hume school se prapt hua hai use hume पोलाइटनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए. सेकेंड अवर वर्ड इज़ सेल्फ इस्टीम. सेल्फ इस्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस. द सेंटेंस इज सेल्फ इस्टीम इज़ ऑनरिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. सेल्फ रिस्पेक्ट यानी हमारा खुद का जो रिस्पेक्ट है, हमारी खुद की प्राइड है, डिग्निटी. तो ये एक हमारे लिए ऑनर की बात है. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, थैंक्स, एक्नॉलेजमेंट और रिकॉग्निशन. थैंकफुलनेस मीन्स किसी का आभार मानना. सो सेंटेंस कैन बी ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू द सोसाइटी. उसने अपना धन्यवाद अपने सोसाइटी को एक्सप्रेस किया है. सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्टसी. कर्टसी मीन्स प्रोटोकॉल, अर्बेनिटी, मैनर और जेंटलनेस. मैनर जो हमारा तौर तरीका होता है, या प्रोटोकॉल जो हमने डिसाइड किया है कि हमको ये चीज़ें करनी है, तो ये सब चीज़ों का मतलब होता है कर्टसी. सो सेंटेंस ऑफ कर्टसी कैन बी हिज एबिलिटीज़, हिज कर्टसी एंड हिज अपराइट कैरेक्टर मेड हिम अ यूनिवर्सल फेवरेट. सेकेंड सेंटेंस कैन बी His gentle courtesy and quaint speech won my heart. So our next word is generosity. Generosity means liberality, lavishness, goodness or unselfishness. तो इसका sentence बनता है I am truly astonished by your overwhelming generosity. So our next word is sympathy. Sympathy means compassion or caring. Means daya we can say. So sentence can be I have received too much sympathy in the last few weeks. पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बहुत किसी से दया प्राप्त की है. So dear students, next word is empathy. Empathy means the ability to understand, समझने की क्षमता, and share feeling of others, या किसी दूसरे की feelings share करना. Sentence is I did not have empathy for the characters. कोई भी characters है उसके लिए मुझे कोई भी empathy नहीं है. We will see to the next question. A2 first brainstorming on saying please. Read the text and state whether the following statements are true or false. Read the text यानी chapter पढ़ो और उसमें से बताओ कि नीचे दिए गए हुए जो सेंटेंसेस है वो ट्रू है या फॉल्स है. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है उसे सही लिखना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज बीटर प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ कैन बी सॉल्व्ड बाय स्वीट वर्ड्स. जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, बीटर यानी कड़वी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे रोज के जीवन में, कैन बी सॉल्व्ड बाय स्वीट वर्ड्स. वो हमेशा अच्छे मीठे शब्दों से सॉल्व की जा सकती है. तो आंसर इज ट्रू, सही. सेकेंड सेंटेंस इज ग्रेट वॉर्स कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय अ लिटिल कर्टसी. जो बड़े बड़े युद्ध है, ग्रेट वॉर्स,
वो अवॉइड किए जा सकते, बचाए जा सकते हैं अगर हमारे में थोड़ी सी नम्रता होती है तो। आंसर इज ट्रू। सो अवर थर्ड सेंटेंस इज ऑब्जर्वेंस ऑफ एटिकेट इन अ नॉर्मल सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज देयर ऑब्जर्वेंस व्हेन द सिचुएशन इज एडवर्स। ऑब्जर्वेंस ऑफ एटिकेट यानि हमारे अंदर जो मैनर्स है, एटिकेट्स है, उसको ऑब्जर्व करना ये नॉर्मल सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेंस को, सिचुएशन जब हमारे अपोजिट होती है, एडवर्स होती है, तब उसको हमें रखना वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आंसर इज ट्रू। वर्ड्स लाइक यानि शब्द जैसे कि प्लीज़ एंड थैंक यू हेल्प अस इन मेकिंग, हमें मदद करते हैं अवर पैसेज, हमारे पैसेज को बनाने में थ्रू लाइफ अनईजी, तो हमारे लाइफ में जो अनईजीनेस है उसको थोड़ा अच्छा करने में मदद करते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। सो सही सेंटेंस है वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू हेल्प अस इन मेकिंग अवर पैसेज थ्रू लाइफ ईजी। अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज लॉ परमिट्स एनीबडी टू यूज वायोलेंस इफ अनदर पर्सन इज डिसकर्टियस। अगर कोई दूसरा पर्सन डिसकर्टियस है तो लॉ परमिट करता है किसी को भी वायोलेंस यूज करने का। तो आंसर है फॉल्स। लॉ ने ऐसी कोई भी परमिशन दी नहीं है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज लॉ डज नॉट परमिट anybody to use violence if another is discourteous. Understood, students? So our next question is select the most appropriate sentences which suggest the theme of the essay. तो नीचे दिए गए सेंटेंस में से आपको ये चैप्टर का, ये एसे का जो भी सेंटेंस थीम सजेस्ट करता है उसे सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट इज The essay tells us about courtesy, civility, morality, responsibility and control. यह essay हमें हमारी courtesy, civility, morality, responsibility और control के बारे में बताता है। Second sentence is, The essay explores the difficulties that can be incurred by an individual When dealing with the public. यह ऐसे हमें बताता है कि जब हम पब्लिक से एक इंडिविजुअल डील करता है तो किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज या मुसीबत का सामना उसे करना पड़ता है। नेक्स्ट सी वन इज वन कैन कीप वंस पीस ऑफ माइंड विदाउट हैविंग टू लोअर themselves टू द लेवल ऑफ द परसीव्ड ऑफेंडर। जो कोई भी हमारी बात को ऑफेंस कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है, तो उस समय एक ने अपने दिमाग में शांति बनाए रखनी चाहिए और हमारी जो पीस है माइंड का उसे आउट थ्रो नहीं करना चाहिए, उसे लो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज पीपल विथ लो सेल्फ इस्टीम आर जनरली डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ एंड दे लुक डाउन अपॉन अदर्स टू गेट अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। जिनका आत्मविश्वास बहुत कम होता है, जनरली ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल जो हो जाता है। दे लुक डाउन अपॉन अदर्स टू गेट अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, वो दूसरे के ऊपर देखते हैं फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी के लिए। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट वन ए द एसे टेल्स अस अबाउट कर्टसी सिविलिटी मोरालिटी responsibility and control. So our next question number 3A is find the reasons for the lift man's uncivilized behavior. Lift man ने ऐसा behavior, वो lift में जो बैठा था passenger उसके साथ, person जो बैठा था उसके साथ ऐसा behave क्यों किया? Answer is in this case, यानि ये case में the lift man probably felt that The passenger's behavior was a slur upon his social standing. Lift man को ऐसा लगा कि वो passenger का जो behavior है वो एकदम slur यानि ordering type का था उसके social standing के ऊपर। Therefore, he felt the pain more acutely than he were
kicked or had been physically assaulted. इसीलिए उसका जो बोलना था वो उसे इतना चुभा, उसके मन को बहुत ही ठेस पहुंची. कोई हमें मार देता है, किक कर देता है, क्या कोई हमें फिजिकली हानि पहुंचाता है तो हमें इतना दर्द नहीं होता जितने उसके शब्दों से वो लिफ्ट मैन को बुरा लगा था. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड मैनर्स यानी जो अच्छा बर्ताव है आर रिक्वायर्ड इन अवर डेली लाइफ, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है, फॉर मेकिंग अवर सोशल कॉन्टैक्ट्स मोर कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है वो बहुत अच्छे और फ्रेंडली हो. इसलिए इलस्ट्रेट यानी एग्जाम्पल्स देकर द बिहेवियर ऑफ द पोलाइट कंडक्टर विद डिफरेंट पीपल इन वेरियस सिचुएशंस. तो ये जो पोलाइट जो कंडक्टर था उसका दूसरे लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में कैसा बर्ताव था, बिहेवियर था, उसे आपको एग्जाम्पल देकर लिखना है. सो फॉर राइटिंग द आंसर वी विल मेक द टू कॉलम्स. पहला है सिचुएशन यानी परिस्थिति और दूसरा है बिहेवियर. तो वो बर्ताव कैसा था बस कंडक्टर का उसका. सो फर्स्ट सिचुएशन इज द राइटर्स सेंसिटिव टो was trampled on. The writer यानी जो passenger था उसका जो toe था पैर था वो जब bus conductor पर गिरा. तो bus conductor का behavior कैसा था तब. The conductor said sorry with an apology and courtesy. तो conductor ने sorry कहा बहुत ही apology से और बहुत ही courtesy यानी नम्रता से. In the rainy season dealing with people. तो उसने जो कंडक्टर है उसने बारिश के दिनों में रेनी सीजन में लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया. ही वुड रन अप टू कॉल द पैसेंजर्स इनसाइड द बस. वो बस के अंदर जाता था और जब उनका स्टॉप आता था तो अंदर जाके पैसेंजर्स को बुलाता था कि तुम्हारा स्टॉप आ चुका है. नेक्स्ट इज थर्ड वन, डीलिंग विथ ओल्ड पीपल. तो ओल्ड बूढ़े लोगों के साथ कैसा डील करता था. आंसर इज He was as considerate as a son. इतना अच्छा बिहेव करता था जैसे कि किसी का बेटा किसी के साथ बिहेव करता है. फोर्थ वन इज डीलिंग विथ चिल्ड्रेन. बच्चों के साथ कैसा डील किया. He was as concerned as a father. इतना कंसर्न, इतना लगाव, इतना अटैचमेंट होता था जैसे कि एक पापा को अपने बच्चे के साथ होता है. फिफ्थ इज डीलिंग विथ यंग पीपल. जो यंग जनरेशन है उनके साथ कैसा बिहेव करता था. ही रेडिएटेड वार्म्थ टूवर्ड्स यंगस्टर्स एंड मेड देम हैप्पी विथ हिज जेस्ट. वो उन्हें हरदम अपने बर्ताव से खुश रखता था. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, डीलिंग विथ अ ब्लाइंड मैन. जो भी ब्लाइंड था जिन्हें दिखाई नहीं देते था उनके साथ कैसा डील करता था. द बस कंडक्टर टोल्ड द ड्राइवर्स Bill to wait and took the blind man himself across the road. तो बस कंडक्टर बिलिंग करने वाले को खुद बोलता था कि रुक जाओ और वो जो ब्लाइंड लोग होते थे उनको रोड के अक्रॉस भी ले जाता था. इस तरह का अच्छा बर्ताव उस बस कंडक्टर का था सभी पैसेंजर्स के. और अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A3 फर्स्ट, ही कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डेलाइट. अब यहाँ पे ब्रॉड डेलाइट दिया है उसका मीनिंग ब्रैकेट में दिया है, नॉट ब्राइट डेलाइट और नैरो डार्कनेस. बहुत ज़्यादा डेलाइट भी नहीं और बहुत डार्कनेस भी नहीं, मतलब यहाँ थोड़ा सा शाम का समय डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट इज आई हैड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी. स्ट्रॉन्ग भी कहा है लेकिन ब्रैकेट में दिया है नॉट रिच टी. थर्ड है द फास्ट ट्रेन इज कमिंग. फास्ट बट इन ब्रैकेट इट इज़ गिवन Not quick train. So here some opposite words or opposite meaning words are given. So such words are called collocations. See, such words or group of words which habitually occur together and thereby convey meaning by association are called collocations. A collocation is a combination of words in a language that often to go together. So our next question is, find out the words in column B which collocate with the words in column A. You have to collocate the words in column A with column B. So first word is see, regular,
Next one is midday, key, fast, try, richly, free, traffic. In column B, the words are meal, concept, food, exercise, decorated, hard, jam, time, animal. Free, traffic, social, wild. Jam, time, animal and justice. So now we will see how we'll make the answers. First word is regular. So regular will be matched with exercise. So first will be regular exercise. Second is midday meal. And the third one is key concept. Next word can be matched with fast food. Try hard. Richly decorated. Free time. Traffic jam. Social justice. Wild animal. All these are examples of collocations. You can note it down in your notebook. Now our next question is, learning collocations is essential for making your English sound fluent and natural. Make collocations and use in your own sentences. तो collocations ये learn करना हमारी English को एकदम fluent बनाने के लिए और natural बनाने के लिए अति आवश्यक है. तो इसी से नीचे दिए गए हैं जो सेंटेंसेस, उससे कोलोकेशंस के सेंटेंसेस आपको अपने शब्द सेंटेंसेस में बनाना है. सो सी, इन दिस वीडियो आई हैव नॉट मेड द सेंटेंसेस, बट आई हैव मेड ओनली द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू हैव टू मेक ऑफ योर ओन. सो सी हाउ आई मेक द कोलोकेशन वर्ड्स. सो वी कैन मेक बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, बिग ब्रदर, बिग अमाउंट, well dressed, well done, well played, well equipped, well danced. Next words are big improvement, big deal, big decision, well planned, well performed, well arrangement. So these are the some examples of collocations. So now it's your work to make the sentences of your own. In the next video, I will show you how to make the sentences from collocations. So with this, we are ending our brainstorming of On Saying Please Part 1. Tomorrow will come with the further questions and Part 2 of the brainstorming of my On Saying Please. So I, Brijal Nathwani, take your leave and will be back tomorrow. Jai Swaminarayana.